Hello, today I am going to tell you something. I'll actually आपको हम जो पूरे इंग्लिश का राउंड ऑफ करके बताएंगे जो क्या क्या आप करना है. आप शुरू में जब आप इंग्लिश करते हैं या सीखने जाते हैं तो पहले आपको क्या किया जा सकता है. आपको मैंने बताया था there are 8 parts of speech. तो उसमें क्या होता है, noun pronoun, verb adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. फिर से पहले दो noun pronoun, फिर थोड़ा दम लेके verb adverb, फिर दम लेके adjective, फिर दम लेके preposition, conjunction, interjection. क्यों? शुरू में noun pronoun में noun भी है, pronoun में भी noun है, verb में verb है, adverb में भी verb है. पांच नंबर जो एडजेक्टिव है वो सिंगुलर है, अकेले है. और प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन में लास्ट में तीनों में TION है. तो मैं इसको लॉजिकल वे में इस आर्ट को सजाया हूँ जिसमें आपको सिर्फ तीन पढ़ने हैं जो कि नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स. फॉर्म्स की चीज का फॉर्म पहले होगा स्पेलिंग, फिर होगा मीनिंग, फिर होगा प्रोनाउंसिएशन, फिर होगा फॉर्म्स और फिर होगा यूसेज. तो उसमें आपको अलग अलग तीनों को जानना है. नाउन, नाउन क्या चीज है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर 5 types ऑफ नाउन. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पहले का जो चारों नाउन है वो टैंजिबल है, यानी कि आप देख सकते हैं, आप छू भी सकते हैं. लेकिन लास्ट वाला जो है इनटैंजिबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको इनटैंजिबल बोला जाता है, उसको आप छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, जिसका मैंने पहले भी 2-3-4 क्लासेस किया हूँ. अभी हम आते हैं वर्ब पे. परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका नाम पूछा जाए आपका नाम क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा आपका नाम क्या है. उसी तरह परिभाषा होना है कि क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है. तो आप बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज वॉट एवर यू सी विथ योर ओपन आईज इज अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन, एनी थिंग विच हैज गिवन नेम टू, दैट मीन्स एनी कॉमन नाउन गिवन नेम टू बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. स्कूल है, कॉमन नाउन है, नाम पड़ गया प्रॉपर नाउन. आप लड़के हैं, आपका नाम सतीश हो गया तो हो गया प्रॉपर नाउन. वो मैदान है तो नाम पड़ गया गांधी मैदान, तो प्रॉपर नाउन. तो इसी ढंग का आप करें. कलेक्टिव नाउन, वही सेम चीज, गुच्छे में जो है, ग्रुप में लड़के बैठे हुए हैं, मधुमक्खी का खुदा है, शायद वो हाथियों की टोली है, फूलों के गुलदस्ता है, आसमान में तारों का भंडार लगा हुआ है, तो सारी तमाम चीज को कलेक्टिव नाउन के हिसाब से आप बोल सकते हैं. कलेक्टिव नाउन ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ज्यादा है नहीं, 15-20 को याद कर लीजिएगा, परमानेंट काफी हो जाएगा. लास्ट में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटैंजिबल इसलिए है, यू कांट सी इट एंड यू कांट टच इट. व्हाट यू कैन डू इज ओनली व्हेन फील इट. दर्द, सुख, अच्छाई, बुराई, चाहे जो भी, बहुत सारी चीजें, सिंपति, चाहे आपका रिकॉग्निशन, कोई भी वर्ड आप बोलते हैं उसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. कभी किसी ने दर्द को देखा, इसका नाम दर्द है, दर्द का ये रूप देखा है, दर्द की रंग लाल है, पीला है, हरा है, आप खुश हैं, राइट? तो यू आर ए हैप्पी मैन. हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव है. अगर हम खुशी बोले दैट इज गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. खुशी को कोई देखा है आंखों से? खुशी कैसा रंग का होता है, कैसे? तो ये इनटैंजिबल है, सिंपल. फिर आते हैं वर्ब पे. तो वर्ब को क्या बोलते हैं, उसका परिभाषा क्या है? A verb is a doing word, right? A verb is a doing word. और उसके बाद उसमें क्या आता है? टेंस. टेंस मतलब क्या है? वो काल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि कोई भी काम मेरे किस काल में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंस. इसका मतलब इंग्लिश में परिभाषा क्या होगा? द टाइम ऑफ द वर्क डन इज कॉल्ड टेंस. हो गया क्लियर? अभी कितने टाइप के आपके पास टेंस होते हैं? देयर आर 3 types ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. हम पास्ट को पहले इसलिए बोलते हैं, पास्ट पहले बीत चुका है,
नंबर वन पे, आज प्रेजेंट है तो नंबर टू पे, और कल होने वाला है नंबर थ्री पे। इसी ढंग से पढ़िएगा, किताबों से नहीं पढ़िएगा। जो बीत गया है वो पास्ट टेंस, जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, आज वो आने वाला कल है, परसों है, दस दिन के बाद है, वो फ्यूचर टेंस, सिंपल। तो आपको पता चल गया है वर्ब इज द डूइंग वर्ब एंड टेंस इज द टाइम ऑफ द वर्क डन, बहुत सिंपल। आप केवल उसको बनाइए, तीन तरह के होते हैं, चार तरह के उसमें आते हैं क्या, सिचुएशंस। नंबर वन इंडेफिनिट, सेकेंड में आता है कंटिन्यूअस, थर्ड में आता है परफेक्ट, और लास्ट में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, जो आप अक्सर करते हैं, रोज खाना खाते हैं, सोते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, इंडोर आउटडोर गेम खेलते हैं, दैट इज इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस हो गया कि जो कंटिन्यूटी में है, खाना पीना उठना पहना, खा रहे हैं, गा रहे हैं, खाए थे, जाए थे, तो जो भी आप बातें कर रहे हैं, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, यानी उसमें आई एन जी होना जरूरी है कंटिन्यूअस फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तब आते हैं परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, आई हैव डन द वर्क, काम हो चुका है, आई हैव डन द वर्क, मैं काम किया था, आई विल बी डूइंग द वर्क, मैं काम करता रहूंगा। और फिर लास्ट में आ जाता है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो शुरू हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट टू डेज बैक, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग, तो उसको छोड़ ही दीजिए, लास्ट में दो जो चीज़ें फ्यूचर में वो काम में नहीं आता है। तो इसमें आपको सिर्फ लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका टेंस का काम। हम टेंस का क्लास में किए हैं, और भी करना है, लेकिन हम फिलहाल एक राउंड ऑफ करके चल रहे हैं कि आप क्विक में क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जरूर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव परिभाषा क्या है? एडजेक्टिव का परिभाषा इज दैट इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो जो नाउन है या प्रोनाउन है, इसके बारे में जो भी कुछ बोलता है, अच्छा बुरा, सही झूठ, वो सब आता है एडजेक्टिव में। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर में, वो लड़का अच्छा है, लड़का बुरा है, लड़का लंबा है, लड़का चोर है, मतलब इसके आदत खराब है, चाहे उसको बहुत सहनशील वाला लड़का है, कुछ भी आप उसके बारे में कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव गुण खराब अच्छा जो भी बोलते हैं, दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आप जानते हैं, मान के चलिए गुड, तो एडजेक्टिव में एक हुआ गुड, और उससे फिर बनता है बेटर, आप इन द बेस्ट, तो गुड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। बेटर को बोलते हैं कंपेरेटिव, आप कंपेयर कर रहे हैं, एंड उसको बोलते हैं सुपरलेटिव, यानी सबसे अच्छा। ही इज अ गुड बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, एंड शेखर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, राम शेखर से अच्छा है, राइट, ज्यादा अच्छा है, थोड़ा हल्का जो भी है, बेटर, बेटर में तुलनात्मक में अच्छा, और ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वो सबसे अच्छा लड़का है। ये हुआ एडजेक्टिव। तो ये तीनों चीज को, नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव को बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं, और उसी को बोलते हैं फॉर्म्स। एफ मीन्स फॉर्म, एफ ओ आर एम एस, फॉर्म। नाउ एक नंबर वर्ब, तीन नंबर एडजेक्टिव, पांच नंबर। तो मेरी जो फॉर्मूला है 1 3 5, इससे आप बिल्कुल आप बहुत लाभान्वित होइएगा, यू विल बी हैविंग ए ग्रेट बेनिफिट ऑफ दैट, राइट। तो उसको आपको जरूर करें, कहीं भी कोई भी लड़का, कहीं भी स्टूडेंट, किसी भी जगह से इसको करना चाहे, एंड आई बिलीव तो ये इसको बहुत फायदा मिलेगा। और आप कभी भी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या आपको प्रोनाउन या एडवर्ब, इसको अभी दूर में रखें। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 8 में से आप 5 को हटा दें, सिर्फ 3 पर कॉन्सेंट्रेट करें। वो 3 है नाउन 1 नंबर, वर्ब 3 नंबर, एंड एडजेक्टिव 5 नंबर। उसको आप नाउन वर्ब एडजेक्टिव बोले या 1 3 5 बोले करके करें। इस चीज को आप कम से कम 3-4 महीना दीजिए, आपकी सारी मसला सॉल्व हो जाएगा, इंग्लिश की भय खत्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक बार देखेंगे तो ज़्यादा देख पाएंगे, आप एक बार देखते थे तो इतना देखते थे कि अभी देखेंगे, इसे करने के बाद आपको इतना नज़र में आएगा, तो काम आपका ईजी हो जाएगा, एंड यू विल बी लर्निंग अ बेटर इंग्लिश डे इन एंड डे आउट।
आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो आपके लिए एक और फायदा क्या होगा कि आप जब इसको पकड़ेगा उसमें से सारी चीज आपको पता चलेगा। कंपैरेटिव कंपैरिजन में यानी तुलना में आप देखिएगा ये क्या माने हैं, आप देखिएगा एडजेक्टिव फॉर्म में क्या माने हैं, जैसे अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, ईमानदार ईमानदारी। तो ये जब जान लीजिएगा ना तो आपके बहुत मजा आएगा। 20 ईयर्स आपके लाइफ का माने 20 साल आपका लाइफ का बच जाएगा, परेशानी से बच जाइएगा, कंफ्यूजन से बच जाइएगा, एवं के टाइम से बच जाइएगा, एनर्जी से बच जाइएगा, खर्च में बच जाइएगा, हर चीज में हर एंगल में आपको फायदा होगा, 20 साल का फायदा होगा। तो मेरा कहना है, मेरे स्टूडेंटों का कहना है, प्लीज इस फॉर्मूला को जरूर आपको ध्यान दें, नाउन वर्ब एडजेक्टिव या 1-3-5। इसमें जरा सा आप कभी लाइफ में नहीं सुने होंगे क्या, जो भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ ऐसे होके देखता है, सर मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, कोई किताबों को कभी नहीं पाया। तो हमको कहना पड़ता है मजबूर होके, कहाँ से देखोगे बाबू, मैं तो इसको बनाया हूँ, मैं तो किया हूँ इसको, अपने से किया हुआ है, इसके पहले कहीं होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए देखने का सवाल भी नहीं है। तुम 10 साल बोलो, 20 साल बोलो, 50 साल बोलो, कोई सुना ना देखा न कभी किया। तो मैं इस रास्ते को अपनाया हूँ, इसलिए इससे मेरे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले तो नहीं समझता है, जब धीरे धीरे डांट फटकार के समझा के करा रहे हैं तब ये लोग कहते हैं हाँ सर बड़ा मज़ेदार ठीक है, मामूली सा फॉर्मूला है लेकिन आप 16 आना आपको फायदा करता है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको यहाँ तक करते आए हैं कॉन्फिडेंस नहीं, अचानक आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसीलिए मैं यही फॉर्मूला बनाया हूँ, आप भी इसको परख के देखें। अब कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर इस नंबर पे जरूर बोलें, 7061258276, ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है। आप हमेशा कभी भी किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने से आप हमको बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि सर मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ, हमसे जहाँ तक यथासंभव मैं आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एज फार एज पॉसिबल आई विल हेल्प यू, राइट। तो आपके लिए पूरा दरवाज़ा खोल दिए हैं, एक तो आपको जो वीडियोज मैं दे रहा हूँ उसमें मेरे टाइम लग रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, एनर्जी लग रहे हैं, टैलेंट लग रहे हैं, मेरे पेशेंस लग रहे हैं, हर कुछ दिए रहे हैं, और करके हम वीडियो अपलोड करते हैं। बड़ी मेरे मुश्किल भी होता है, कभी ये नहीं होता है, कभी वो नहीं होता है, पानी बरसता है, कभी लाइट नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लम के बीच में मैं इस वीडियो सबको बना रहा हूँ। अभी मेरे 92 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, ये आपके 93 वीडियो मेरे 93rd वीडियो होगी जो कि थोड़ी देर के बाद बन जाता है, जिसको हम अपलोड करेंगे। आप लोग इससे लुत्फ उठाइए, और कहीं भी कभी भी कहीं से भी किसी कोने से भी आपको दिक्कत होती है, आपका मेरा दरवाज़ा इंस्टीट्यूट का एकदम खुला हुआ है। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, द डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल इंग्लिश, आपका स्वागत है। आप बिल्कुल आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आप आइए हमसे सीखिए, जानिए। बोर्ड पे मैं बनाता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ, वर्ड्स देता हूँ, कैसे एप्लीकेशन होगा वो बता देता हूँ, और उसके बाद मायने क्या होता है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर सेंटेंसेस सब बता देता हूँ, और आपके जो खुद के प्रश्न होगा वो भी पूछेगा तो मैं उसको ही बता दूंगा। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मेरे जो बताए हुए रास्ते में चले, बल्ले बल्ले, बड़ी फायदा में रहेगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, और दिल से जो आप पहले कभी नहीं जानते थे या कंफ्यूज थे या घबरा जाते थे, नहीं समझ में आती थी, अब सब अपने अपने जगह पे आ जाएगा, आपको लगेगा तो यही मामूली सा चीज मैंने इतना साल लगा दिया। आप बहुत जल्दी सीखे, 2-3-4 महीने में आप बिल्कुल आप पटरी पे आ जाए, फिर पटरी पे आने के बाद आप चले जितना दूर तक जाना है, यहाँ से आप मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, यहाँ से वाराणसी जा सकते हैं, यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं। तो आपको सीख जाने पर, पटरी पे आ जाने पर, आपको जितना दूर लंबा दौड़ मारना है, यू आर फ्री टू डू दैट, एंड आई बिलीव दैट इट विल टेक यू टू द लाइट, मतलब रोशनी में। आपको इंग्लिश कमज़ोर है तो निश्चित रूप से आप अंधेरे में हैं, आपको इंग्लिश जब अच्छा होता चला जाएगा और आप आस्ते आस्ते रेलगाड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे, करते करते आप रोशनी की तरफ जाएंगे, यानी कि ज्ञान आपका आ जाएगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई होगा, अच्छे से बोल पाइएगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपका अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, और कहीं पर भी आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेटिव इंग्लिश करते हैं, तो आपको डेफिनेटली दिल को भी अच्छा लगेगा, आपके लोग तालियों से आपके स्वागत भी करेंगे,
और जहाँ भी आप बोलेंगे लोग खुश हो जाएंगे और आपको जीवन में जो चाहिए था वो आपको हासिल हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. सी यू अगेन. बाय बाय.